हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज एक बार पुनः नवीं कक्षा के लिए गणित, और जिसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। और ध्यान दीजिएगा, 1.2 से पहले हमने 1.1 कंप्लीट किया, और इसके साथ ही साथ हमने इसके जो डिफिनीशंस हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, और उसमें पार्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया मैंने, और सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2, और यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, और ये मैंने उस वीडियो में बताया, लेकिन चलिए थोड़ा सा केवल बताऊंगा। परिमेय और अपरिमेय सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी मतलब परिमेय हो या अपरिमेय, वो दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या है। जैसे 4 है, √2 है, तो 4 तो हमारे पास एक परिमेय है। 4 एक कौन सा है? परिमेय। और √2 क्या है? अपरिमेय। और ये 4 और √2 दोनों एक ही राशि के होंगे, और उस राशि का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहां से पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहां हल में लिखेंगे पहला चीज सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य। हमने लिख दिया, सत्य लिख दिया, और यहां से लिख सकते हैं कि कारण। कारण में लिख दीजिएगा, कारण में आपको यही लिखना है, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का, या वैसे लिख दीजिएगा, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का संग्रह क्या होता है भैया? वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का होता है। वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का होता है। ये बात तो स्पष्ट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भैया स्टेटमेंट समझिए, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, यही कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, जितने भी अपरिमेय हैं वो सभी वास्तविक हैं। अगर ये भी कहा होता प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती, तब भी स्टेटमेंट हमारा सही था। अब बात करें दूसरे के बारे में, कारा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा देख लीजिए, संख्या रेखा में ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, इसको 0 नाम दे दिया। अब 0 के दाएं धनात्मक संख्याएं मिलेंगी, ठीक है ना, 0 के बाएं आएंगे तो -1 -2 ऐसे -3 भी मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, इसके आगे गिनते जाइए, इसके पीछे करते जाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मतलब 0 के दाएं धनात्मक और 0 के बाएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब अगर हम बात करें, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। लेकिन अगर बात करें 0 का वर्गमूल तो 0 होता है, लेकिन क्या 0 हमारा एक प्राकृत संख्या है? देखिए m क्या है, m एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, तो यही हो गया असत्य। ऐसे हम बात करें -1 के बारे में, -2 के बारे में, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे इसके लिए असत्य, क्योंकि कारण लिख सकते हैं यहां पर, कारण लिख दीजिएगा, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। चलिए अब अगर हम बात करें थर्ड के बारे में, तो थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाला कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये भी असत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा,
दो वास्तविक है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल आपका दिया है दो वास्तविक है, लेकिन दो क्या है, दो बटा एक एक प्रमेय लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये कहा होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रमेय और अप्रमेय हो सकती हैं तो ये बात सही होता, लेकिन पूरा पूरा फोकस यही कहा कि जितना वास्तविक संख्या वो खाली खाली अप्रमेय होता है, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रमेय भी हो सकता है और अप्रमेय भी होता है। बात समझ में आ रहा ना? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। क्वेश्चन यही कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? तो आप लोग कहेंगे नहीं। कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या हो। जैसे मान लेते हैं 9 है, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब आप बताइए 3 प्रमेय है कि अप्रमेय? 3 तो हमारा प्रमेय है ना, लेकिन इसने कहा कि अप्रमेय होते, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलने से पहले आपके ही बुक से हम एक आध एग्जाम्पल्स भी बता देते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नावली में 1 सवाल दिया है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी बता दे रहे हैं। कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। आपके NCERT बुक से, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले चीज हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लगता है, एक विशेष त्रिभुज के लिए, इसका नाम समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये लंब है और ये आधार है। पाइथागोरस थ्योरम का कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है क्या, लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम चलते हैं अपने हम क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। संख्या रेखा, जैसे मान लेते हैं संख्या रेखा हो गया, ये 0 हो गया, ये सपोज करते हैं 1 हो गया, 1 का ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया -1, ये हो गया -2। -2 तक रहने दीजिए, बहुत है, ऐसे आगे पीछे तमाम लोग होंगे। अब आइएगा, इतनी बात तो सबको स्पष्ट हो गई। अब √2 का मान लगभग में क्या होता है, 1.414 होता है। जाहिर सी बात है √2 का स्थान 1 और 2 के बीच में होगा। कहाँ होगा, मुझे उसी चीज़ का क्या करना है, निर्धारण करना है। इसके लिए आपके पास पटरी होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए और साथ ही साथ चांदा भी होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों का सामान होना अत्यंत जरूरी है। आप कहेंगे सर जी आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास तो बस केवल एक चीज़ है जिसका नाम ये है, और इसी चीज़ की सहायता से आपको बनाना है, मैं तो आपको केवल समझाऊंगा। √2 को हम लोग, ये बताइए, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, मान लेते हैं ये के स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो के बराबर कितना आएगा, √2 आएगा ना। तो एक काम करिए, आप संख्या रेखा पर 1 इकाई की दूरी तय कर लीजिए। तय कर ले गए, 1 इकाई की दूरी तय करने के बाद, ठीक है ना, मतलब एक ये हो गया। अब इसी पर 90 डिग्री का 1 इकाई ले करके बना दीजिए, ये हो गया 1 इकाई, ये भी हो गया 1 इकाई। अब इस चीज़ को इससे मिला दीजिए, इसका मान कितना होगा, √2 होगा ना। बताइए 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इसका मान कितना मिलेगा, √2 मिलेगा ना। और इसका नाम कर कर दीजिएगा O, इसका नाम A और इसका नाम क्या कर दीजिएगा, B। अब आप बताइए OB की लंबाई कितनी है, √2 इकाई है ना, और आप क्या करिए चांदे की सहायता से इतनी दूरी को भर लीजिए। इतनी दूरी को भरने के बाद
आप क्या करिए, ऐसे करके एक चाप लगा दीजिए भाई। अगर ये हमारे पास, ये यहाँ से नापे हम, तो ये हमारे पास कितना है, रूट टू है। संख्या रेखा पर रूट टू दिखाना, और सभी को कहाँ से नापते हैं, इस जीरो से नापते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इस चीज़ को यहीं रखिए, और जो चीज़ आए यहीं आप नाप लगा करके एक चाप लगा दीजिए, और जो चाप जहाँ आप लगेगा वही आपका किसका पोजीशन होगा, रूट टू का होगा। समझ में आया, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगला एग्जाम्पल सा गया कि रूट थ्री का आप पोजीशन बताइए। अब रूट थ्री का मुझे बताना है पोजीशन, तो बड़ा आसान तरीका उसके लिए भी है। रूट थ्री के लिए हमें क्या करना है, रूट थ्री को हम लोग, ठीक है ना, अगर हमको कह दिया जाए रूट थ्री, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी अंक नहीं है जिसका वर्गमूल हम डायरेक्टली रूट थ्री निकाल लें। जैसे हमारे पास ये चीज़ ऐसी कोई माप बताओ कि जो रूट थ्री आ जाए। जैसे मान लेते एक कर लिए, दो कर लिए, तो रूट पाँच आएगा, दो दुना चार और एक कितना हो जाएगा, पाँच। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या रेखा हो गया, ये जीरो हो गया, एक इकाई हो गया और ये दो इकाई हो गया, ये माइनस एक है और ये माइनस दो है, इधर मुझे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करिए, पहले इसे बिंदु से एक इकाई की दूरी आप माप लीजिए, माप ले गए, फिर उसके बाद 90 डिग्री का आप यही कोण बना लीजिए एक इकाई की दूरी पर, ये भी हो गया, इसको इससे मिला दीजिए। अब ये बताइए कितना हो गया, रूट टू हो गया। अब क्या इस पर 90 डिग्री का कोण आप लोग बना सकते हैं, क्या आप लोग इस पर, ठीक है ना, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो क्या करिए, चादर के पॉइंट ही रखिए और 90 डिग्री के सीध पर ऐसा एक रेखा खींच लीजिए, खींच ले जाएंगे ना, बोलो हाँ। नहीं समझ में आ रहा है, अब ये एक है तो एक इकाई का फिर यहाँ से नाप लीजिए। अब इसका नाम अगर दे दे ओ ए, यहाँ बी हो गया, इसको सी कर दे। अब आप बताइए कितने रूट बना, 90 बनाना, और ये रूट टू है और ये एक है। अब आप बताइए, ठीक है ना, अगर हम इस चीज़ को ऐसे मिला दें और इसका हम अगर नाम करें ओ सी स्क्वायर बराबर, ओ सी स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ओ बी स्क्वायर, और प्लस कितना होगा, बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर का मान कितना है, रूट टू, रूट टू का कितना हो गया स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है, वन का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, दो और एक कितना हो गया, तीन। ओ सी स्क्वायर बराबर हो गया तीन, तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। अब आप वही पुरानी बात है, इस प्रकार को इतना खोल लीजिए, हमारा तो छोटा प्रकार पड़ जा रहा है। यहाँ से क्या करिए, ये रूट थ्री है, इसका आप चाप ले करके क्या करिए, ऐसे यहाँ लगा दीजिए। बस समझ में आ रहा ना, ये चाप आप लोग ऐसे लगा लीजिए, जहाँ आएगा वही रूट थ्री का क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, कुछ कुछ करना ही नहीं है यार, इतनी आसान चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस करते रहिए। ना कर पाइएगा तो कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बाई प्रैक्टिकली मैं कॉपी पर लगा करके बताऊँगा, बट आप लोग एक बार प्रयास तो करिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रश्नावली का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि रूट पाँच को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, हमें अब की बार संख्या रेखा पर रूट पाँच का पोजीशन बताना है। अब ये संख्या रेखा हो गया, ये जीरो हो गया, ये एक इकाई हो गया, ये दो इकाई हो गया। अच्छा, पाँच को हम टू का स्क्वायर धन वन का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या होगा, दो दुनी चार, चार और एक कितना हो गया, पाँच, और ये सपोज करिए के स्क्वायर बराबर निकल रहा, के स्क्वायर पाँच हो गया, तो के बराबर कितना हो गया, रूट पाँच। आप क्या करिए, ठीक है ना, दो इकाई की दूरी ले लीजिए, ले लिए, और आप इस पर 90 डिग्री और एक इकाई का ले लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब ये दो स्क्वायर एक स्क्वायर पाँच हो जाएगा जोड़ने पर। अब आप पुरानी बात है, ये चादर प्रकार लीजिएगा, इसको करके के ऐसे कर दीजिएगा, जो होगा वही रूट पाँच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। हम लोग आपको अगले चैप्टर्स के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।